आज फाल्गुन कृष्णा द्वादश्याम है। आज के दिन समय शिखर के नर्जरा कूट से भगवान मुनि सुब्रत नाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चर्चा इसी विषय पर चल रही है। मोक्ष हुआ था तो मोक्ष होने में क्या होता है, कुछ समझने का प्रयास करो कि मोक्ष क्या चीज है। ऐसी क्या चीज है कि ये लोग मोक्ष जाते हैं, क्यों जाते हैं मोक्ष में, क्या मिलता है वहां जाकर के। यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, मकान दुकान धन संपत्ति जायदाद बेटा बेटी परिवार कपड़ा लत्ता सब मिल रहा है यहाँ तो, और वहां मोक्ष में तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी मोक्ष जाते हैं, क्यों जाते हैं मोक्ष, ऐसा क्या है मोक्ष में, बोलिए ना आवागमन से। लेकिन कभी महसूस हुआ आपको कि अब जब किसी का मृत्यु थोड़ी समीप हो ना तब फीलिंग आती है, जब तक ये शरीर में थोड़ी सी हवा भरी हो ना तब तक फीलिंग नहीं आती है। ये जो बीमारियां हैं ना बहुत अच्छी चीज है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। ये सच्चाई दिखाने के लिए, धर्म के मार्ग में लगाने के लिए और आत्मा और शरीर को अलग करने के साधना के लिए ये बीमारी बहुत बड़ी चीज है। यदि इसमें साधना कर ली जाए तो शायद वह मोक्ष पता चल जाएगा कि मोक्ष क्या है। और जब तक ये शरीर में हवा भरी है ना तब तक मोक्ष की फीलिंग नहीं महसूस करने वाले, मोक्ष है क्या जहां शरीर ही नहीं है। किसी का घुटना दुख रहा है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की आंख दुख रही है, किसी का सिर दुख रहा है, किसी के पांव दुख रहे हैं, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी के पेट में प्रॉब्लम है, किसी के गर्दन में प्रॉब्लम है, किसी की नाक में प्रॉब्लम है, किसी के जीभ में प्रॉब्लम है, किसी के गले में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है शरीर में, प्रॉब्लम कहाँ है शरीर में, बाधाएं कहाँ से आती हैं, शरीर से आती है। और मोक्ष क्या है, शरीर से रहित होने की अवस्था मोक्ष है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर ये दर्द कहां से होंगे। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो दर्दों की कोई बात बची नहीं। कल एक प्रश्न आया था मेरे पास, 10 प्राणों की चर्चा चल रही है, 5 इंद्रिय 3 बल श्वासोच्छ्वास और आयु, ठीक है। 3 बल में मन वचन काय और 5 इंद्रिय आप जानते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। तो प्रश्न ये था कि सिद्ध भगवान तो जैसे चलो इंद्रियां नहीं है उनकी क्योंकि शरीर नहीं है, जब शरीर नहीं है तो तन बल भी नहीं है, वचन बल भी नहीं है, मन बल भी नहीं है, लेकिन वह श्वासोच्छ्वास तो होगी, बिना श्वासोच्छ्वास के जीव कैसे जी सकता है। अरे बोलिए ना, सिद्ध भगवान सांस तो लेते होंगे। अरे बोलो ना, हाँ गांधी जी लेते ही होंगे, फाइनल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है प्राण होते क्या है। आप लोगों में बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, हाँ सांस तो चलेगी, बिना सांस के कैसे जी सकते हैं। वैसे यही तो चमत्कार है, जैन धर्म ने इतनी सूक्ष्मता से आत्मा और शरीर का वर्णन किया है कि एक एक ग्रंथियां खुल जाती है। 10 प्राणों में से शरीर और आत्मा को जोड़कर रखने वाला एक प्राण है आयु और दूसरा प्राण है श्वासोच्छ्वास। बात समझ में आई कि नहीं आई। स्पर्शन इंद्री है, रसना के बिना भी काम चल सकता है, स्पर्शन के बिना नहीं चल सकता, रसना के बिना काम चल सकता है, घ्राण के बिना काम चल सकता है, चक्षु के बिना काम चल सकता है, कर्ण के बिना काम चल सकता है, मन के बिना काम चल सकता है, वचन के बिना काम चल सकता है, लेकिन 4 प्राण जो बचे, स्पर्शन इंद्री आयु श्वासोच्छ्वास और काय बल, ये 4 प्राण तो कम से कम रहते ही रहते हैं, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन जब सिद्ध भगवान मुक्त होते हैं
तो काय बल चला गया। जब काय नहीं रहेगी तो काय बल की जरूरत क्या है, वहां तो आत्मबल है। कौन सा बल है? अनंत शक्ति वाला बल है। कई बार प्रश्न आता था मेरे मन में कि भगवान को अनंत शक्ति प्राप्त हो गई, वो उस अनंत शक्ति का उपयोग कहां करते हैं? आपके मन में नहीं आता भगवान के अंदर अनंत शक्ति है कि नहीं? अब वो कुछ करते तो है नहीं, तो अनंत शक्ति की जरूरत क्या है? अरे बोलिए ना, क्योंकि आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि संसारी प्राणी ने अपनी शक्ति का उपयोग आज तक केवल बाहर की तरफ किया है। क्या कहा? अपनी शक्ति का उपयोग आज तक केवल बाहर की तरफ किया है, इसीलिए वो भगवान में भी बाहर की तरफ ही देखना चाहता है शक्ति को। लेकिन अनंत शक्ति का उपयोग क्या है? यानी सामान्यतः है, यदि कि किसी के पास धन की शक्ति हो तो क्या कहते हैं, भाई वो बहुत बड़ा आदमी, उसको मत छेड़ना, कहते हो नहीं कहते? अरे बड़ा धन वाला आदमी मिनटों में निपटा देगा, उसको मत छेड़ना। उसके पास धन की शक्ति है तो आपने उसके सुख में बाधा नहीं डाली। यदि कोई पहलवान हो तो भाई मत बोल इससे, हाँ अभी दुख उठा के वैसे इसको जल्दी गुस्सा आ जाएगा और वैसे ये पहलवान है, पछाड़ देगा उठा के। तन की शक्ति है तो तुमने उसके सुख में बाधा नहीं डाली। शक्ति का उपयोग कहाँ है? सुख में। शक्ति का उपयोग कहाँ है? सुख में। धन की शक्ति तो सुख है, तन की शक्ति तो सुख में बाधा नहीं आ रही है। कोई प्रभावक हो तो सुख में बाधा नहीं आती है। अनंत शक्ति का उपयोग कहाँ है? अनंत शक्ति का उपयोग है कि संसार की कोई शक्तियां उनके सुख में बाधा नहीं डाल सकती हैं। ये उनका अपनी आत्मा के लिए ये अनंत शक्ति का उपयोग है। संसार में उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, उन्हें कोई सता नहीं सकता, उन्हें कोई मार नहीं सकता, उन्हें कुछ नहीं कर सकता, ये उनकी अनंत शक्ति का उपयोग है। शक्ति सुख, सुख में बाधा ना आए, सुख की रक्षा करने वाला कौन है? शक्ति। सुख की रक्षा कौन करता है? शक्ति। अनंत सुख की रक्षा कौन कर रहा है? अनंत शक्ति। वीर्यांतराय कर्म का क्षेत्रक्षम रहता है उतना अब मिल जाता है, उनका तो क्षय हो गया है। वीर्यांतराय अंतराय कर्म का क्षय हो गया है, संपूर्ण रूप से क्षय हो गया है, इसीलिए वो अनंत शक्ति को प्राप्त हो गए हैं। तो अब मैं विचार आपसे करवाना चाहती हूँ, मैंने तो कर लिया, आपसे विचार करवाना चाहती हूँ कि जीव मोक्ष क्यों जाने की इच्छा रखता है? अभी प्रवचन में पंडित जी ने कहा माता जी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। मोक्ष मार्ग, मार्ग पर चलोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे। आप कौन से मार्ग पर चलने के लिए मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं? मोक्ष के मार्ग पर। मंजिल क्या है? मोक्ष। क्यों जाना चाहते हो मोक्ष? क्योंकि जीव का उद्देश्य है सुख। क्या उद्देश्य है? सुख चाहे दुख ते भयवंत, ठीक है। लेकिन सुख इस संसार में मिल रहा है क्या? बाधा रहित सुख की प्राप्ति हो रही है क्या? दुख कहां से आ जाए? आंख नाक कान गले बाल हाथ पांव कहां से आ जाए पता नहीं, पड़ोसी से आ जाए, धन से आ जाए, परिवार से आ जाए, कहां से आ जाए पता नहीं। हमारा सुख इस समय सांसारिक सुख बाधा सहित है और भगवान का सुख बाधा रहित है। तो उस बाधा रहित अनंत सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति की भावना भाते हैं और मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। अब बात चल रही थी कि भगवान सांस तो लेते होंगे। अरे बोलिए ना, भगवान कुछ लोग तो यूं कर रहे हैं, कुछ अब चुप बैठ गए, पता नहीं बात क्या है। अब माता जी आप ही बता दो हैं? जब शरीर और आत्मा को जोड़कर रखने का काम करता है सांस, जब तक इस शरीर में सांस है तब तक आत्मा इस शरीर में है, और जिस क्षण सांसें बंद हो जाएंगी उस क्षण आत्मा शरीर से उड़ जाएगी। यानी ये डोर कब काम कर रही, बीच में जोड़ के रखने का काम कर रही है। यानी शरीर की आंखें अच्छी हैं, कान अच्छे हैं, नाक अच्छी है, हार्ट भी बढ़िया वाला बढ़िया धड़क रहा है, पेट भी बढ़िया क्वालिटी का, खूब अच्छी पाचन क्रिया चल रही है, किडनी भी बहुत अच्छी, सफाई अच्छी चल रही है, हाथ पांव सब चंगे हैं,
केवल सांस रुक जाए, बताइए क्या होगा इस शरीर का? क्या होगा? सारी मशीनें बढ़िया हैं, केवल एक ही चीज खराब हो गई। क्या? सांस। मतलब आत्मा को शरीर को जोड़कर रखने वाला कौन है? सांस। बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अब कीमत जाने तो है, अब नोट में मिल रही होती तो शायद तुम कीमत जानते सांसों की। अब फ्री में मिल रही है, अब फ्री में भी नहीं मिल रही है, मिल तो रही है पुण्य के उदय में, लेकिन तुम जानते नहीं कि पुण्य की क्या कीमत है, उसे हम क्या क्या कमा सकते हैं। भजन भी गाते हो, हर सांस में जपे प्रभु नाम तेरा, गाते हो ना भजन, इस तरह के भजन बनते हैं, लेकिन जपते हो क्या? बस गाने के लिए है, जपने के लिए, करने के लिए नहीं है। कुछ चीज गाने के लिए होती है, कुछ चीज करने के लिए होती है। दो तरह की दवाई होती है, एक खाने वाली होती है, एक लगाने वाली होती है ना। तो संसार के जो सुख हैं वो लगाने वाले हैं, खाने वाले नहीं है। और धर्म जो है वो खाने वाला है, लगाने वाला है नहीं है, लेकिन उल्टा हो रहा है। धर्म को तो लगाया जा रहा है, भजन को तो गाया जा रहा है, जिया नहीं जा रहा है। तो दस प्राण में जो श्वासोच्छ्वास प्राण है सिद्ध भगवान का नहीं होता, क्योंकि उनका आठों कर्म का नाश होने से, नाम कर्म के नष्ट होने से शरीर ही नहीं रहा, और जब शरीर ही नहीं रहा तो सांस की जरूरत क्या है। इसीलिए ध्यान में जब कभी बैठो तो ये ध्यान भी लगाना, स्पर्शन इंद्री रहितो हम, मैं स्पर्शन इंद्री से रहित हूँ, मैं रसना इंद्री से रहित हूँ, मैं घ्राण इंद्री से रहित हूँ, मैं चक्षु कर्ण इंद्री से रहित हूँ, मैं मन बल वचन बल काय बल से रहित हूँ, मैं आयु कर्म से रहित हूँ, और मैं श्वासोच्छ्वास से रहित हूँ। जब कभी ध्यान लगाओ तो ऐसा ध्यान लगाकर आत्मा का चिंतन किया जा सकता है। आत्मा कैसी है, कैसी है आत्मा, उसको जानो तो सही। जब तक जानोगे नहीं तो उसको फिर पाओगे कैसे? तो इसीलिए श्वासोच्छ्वास में आत्म जो सिद्ध भगवान होते हैं उनकी श्वासोच्छ्वास नहीं है। अब बात चलती अरिहंत भगवान की, तो अरिहंत भगवान की श्वासोच्छ्वास चल रही कि नहीं चल रही? अरे बोलिए ना, चल रही है? चलो कुछ तो उत्तर आया, दिमाग लगाया आपने। हाँ, अभी संसार में भगवान है, शरीर के अंदर बैठे हैं, तो सांस तो चल रही होगी, ऐसा दिमाग तो कुछ लोगों ने लगा लिया होगा, है? हाँ, अरिहंत भगवान के आपके कितने प्राण हैं? दस। कितने प्राण हैं? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ठीक है, मन बल भी है, वचन बल भी है, काय बल भी है, ठीक है, इसके साथ में आयु भी है और श्वासोच्छ्वास भी। आपके पास में दस प्राण हैं और अरिहंत भगवान के पास में केवल चार प्राण हैं। अरे बोलिए ना, असंगी कह दिया अरिहंत भगवान को। आप संगी हैं कि असंगी? संगी। और अरिहंत भगवान क्यों? उनका द्रव्य मन तो है मगर भाव मन, इसलिए मन बल खत्म हो गया। मन की जरूरत कहां है जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई? जहां ज्ञान कम हो वहां मन की जरूरत है, और जहां केवल ज्ञान का सूर्य उग गया हो वहां दीपक की क्या जरूरत है? तो अरिहंत भगवान के आयु कर्म है, आयु प्राण है, श्वासोच्छ्वास प्राण है, काय बल है, और स्पर्शन इंद्री है। तो चार इंद्रियों का क्या हुआ? गायब तो हुई नहीं, देख तो रहे कि भगवान आंखें भी हैं, नाक भी है। आप मंदिर में प्रतिमा देखते हो नारियल भगवान की, सब कुछ दिखाई देता है ना? है तो सही मगर उसका उपयोग नहीं है। जिसकी केवल ज्ञान की आंखें खुल गई हो उसे इन आंखों की क्या जरूरत है? जो साक्षात आत्मा से देख रहा हो उसे इन चर्म चक्षुओं से देखने की कहां जरूरत है? जिसे आंख बंद करके तीनों लोग दिख रहे हो वो आंख क्यों खोले? तो जो भगवान है, भगवान के चार प्राण हैं तो सही, लेकिन केवल वो भी ऐसे हैं कि जब तक आयु कर्म है शरीर में तब तक हैं, और नहीं तो उसकी भी जरूरत उन्हें नहीं है। जैसे चार और कर्मों का नाश हुआ वो सिद्ध बन जाएंगे और शरीर रहित हो जाएंगे। कभी आपने कल्पना की है कभी आंख बंद करके बैठ के कि मैं शरीर रहित हूं,
और जब मैं शरीर रहित हूं तो मैं कैसा होऊंगा शरीर रहित, और उस स्थिति में मेरी क्या स्थिति बनेगी, कभी आपने विचार किया, चिंतन किया? वाह, यही तो दिक्कत है, भगवान के दर्शन करने पे भी दर्शन नहीं किए। भगवान के दर्शन करने के बाद अपने आप को अशरीरी मानकर आपने चिंतन नहीं किया तो आपने दर्शन नहीं किए। भगवान दर्पण है, आप सुबह सुबह नहा धो के आईने के सामने खड़े होते हैं ना, अरे बोलिए ना, आपके बाल बाल ठीक बन जाए, मांग वगैरह ठीक निकल जाए, क्रीम पाउडर सही जगह पे लग जाए, हैं लिपस्टिक और क्या क्या लगाते हो, हैं जो जहां लगाना है वो वही लगाओगे ना भाई, जैसे होठों पर लिपस्टिक लग जाए लगाई जाती है और कान आंख में काजल लगा, उल्टा तो नहीं करोगे ना, तो उसके लिए आईने की जरूरत पड़ती है। इस शरीर के मुखड़े को देखने के लिए उस दर्पण की जरूरत है, लेकिन आत्मा को देखने के लिए भगवान दर्पण बन जाते हैं और हम अपनी आत्मा की शक्ल उनके अंदर देखते हैं कि हे भगवान, जैसी तुम्हारी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। यदि आज तक आपने भगवान के अंदर अपनी शक्ल नहीं देखी है तो समझना आपने दर्शन किए ही नहीं भगवान के। मैं रोज बताती हूँ, बस गए बाबूजी, नमर इंतरम नमस धर्म रमायण सब श्रवणम, चढ़ाए चावल और चल दिए, हो गया दर्शन। दर्शन हुए, क्या करने गए थे मंदिर में, चावल चढ़ाने गए थे, भगवान को तुम्हारे चावल की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमें दादाजी चढ़ाते थे ना तो हम चढ़ाते हैं। अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता चावल क्यों चढ़ाया जाता है, तुम्हारे दादाजी चढ़ाते थे इसलिए तुम चढ़ा रहे हो। भगवान में अपनी तस्वीर देख करके दर्शन करना, मंदिर जाओ और फिर भगवान को देखो, भगवान जैसे आप हो वैसे मैं हूं, जैसे आप मोक्ष में जाके विराज गए, आपकी आत्मा शुद्ध आत्मा हो गई, मेरी भी हो सकती है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है। भगवान आप कषाय नहीं करते हो, मैं कषाय करता हूँ, आप पाप नहीं करते हो, मैं पाप करता हूँ, आप राग द्वेष नहीं करते हो, मैं राग द्वेष करता हूँ, हे भगवान आज मोक्ष कल्याणक है, वो दिन कब आएगा जब मेरा भी मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ में दर्शन करो, देखो कैसे दर्शन नहीं होते हैं। और एक बात अभी और चर्चा में अभी आई थी बीच में कि अगले जन्म की फीलिंग, मृत्यु सामने खड़े हो ना फिर अगले जन्म की फीलिंग आती है, हाँ जाना पड़ेगा यहाँ से, अब पता नहीं क्या होगा। आपको आई कि नहीं, इतने लोग बैठे हैं, सच बताना किस किस को अभी तक एक आध बार एक बार भी आई हो तो बताओ। अभी नहीं आई आपकी, भाई मुझे तो आ चुकी है। और कर सोचते में विचार चिंतन कर रही थी, अब अगला जन्म होगा फिर गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर 9 महीने उल्टे लटक के रहना पड़ेगा, फिर गर्भ से बाहर लेके जन्म लेकर के फिर वही घुटनों के बल चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर वही आ ई सीखना पड़ेगा, फिर वही दोबारा से फिर गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर सीखो, फिर बड़े हो, फिर वही संसार, फिर वही अगला जन्म। हे भगवान ये कब तक चलेगा, कितने जन्मों में 12 खड़ी सीख ली, कितने जन्मों में गिनती सीख ली, हर बार फिर वहीं से गिनती शुरू हो जाती, फिर माइनस मार्किंग हो जाती है, फिर वापस वहीं फिर शुरू हो जाती। ये क्या जिंदगी है, ऐसा जीवन मिले कि जो एक बार प्राप्त हो गया वो दोबारा प्राप्त ना करना पड़े, और वो है केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान। ऐसा चिंतन मनन करते हुए जीवन हो तो घर में जितने लड़ाई झगड़े है ना, जरूरत ही न पड़े लड़ाई झगड़ा करने की, डायमंड सेट है या नहीं है इसकी भी टेंशन ना हो, साड़ी अच्छी है या नहीं इसकी भी टेंशन ना हो, और ज्यादा ध्यान कर लो तो दुकान चल रही कि नहीं चल रही उसकी भी टेंशन खत्म, जो मिल रहा है सो ठीक है बहुत है, इस जीवन से रस निचोड़ लो ध्यान का। ध्यान जिसने कर लिया उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, अपने जीवन की शुरुआत कर ली। ध्यान से ही हर चीज की क्वालिटी पहचानी जाती है, यानी कि आप किसको कितना जानती, आप साड़ी को जानती हो, कपड़े को जानती, कपड़े कितने तक का कपड़ा होगा, किसी की साड़ी देखो अच्छा हाँ होगी 3-4 हजार की तो होगी, साड़ी की कीमत जानते हो, डायमंड सेट पहना हो हाँ होगा 2-5 लाख का तो होगा,
हाँ वो डायमंड सेट की कीमत जानते, पुरुष होंगे, गाड़ी जा रही, अच्छा ये हाँ ये तो 5 वाली गाड़ी है, ये तो 25 वाली लग रही है, नहीं नहीं ये तो 1 वाली गाड़ी है, एक मिनट में कीमत बता देते हो। तुमने आज तक इंसान की कीमत जानी कि नहीं जानी कि एक इंसान के अंदर कितनी संभावना है, सामने वाले में कितनी क्वालिटी है, तुम्हारे बेटा के अंदर कितनी क्वालिटी है, क्या क्या क्षमताएं हैं, वो क्या क्या कर सकता है, तुम्हारे सास के अंदर क्या क्वालिटी है, वो क्या क्या करती है और क्या क्या कर सकती है। तुमने अपनी बहू में क्वालिटी जानी कि तुम्हारी बहू यदि सही रहे तो कितने बड़े बड़े काम कर सकती है। हम जड़ पुद्गल की क्वालिटी के लिए तो जिंदगी खत्म कर देते हैं, मगर चेतन की क्वालिटी को देखने का कभी नजर ही हमारे अंदर पैदा नहीं होता है। और एक बार पैदा हो जाए तो तुम खुद भी करोगे और साथ में करवाओगे भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो खुद को करने में लग गया है ना, उसको लगता नहीं इसके अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, इसको करना चाहिए ये काम। तो बंधुओं, ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में सबसे कीमती है, सबसे ज्यादा कीमती है। जैसे सब गाड़ियों में सबसे बढ़िया वाली गाड़ी, ऐसे शरीरों में सबसे बढ़िया वाला शरीर, इससे क्या क्या मिल सकता है, किसकी दुकान में क्या क्या मिल सकता है, आपको पता है ना? किराने की दुकान में क्या मिलता है, किराने का सामान, ज्वेलरी की दुकान में ज्वेलरी का सामान, और सब्जी की दुकान में सब्जी का सामान, पता है ना कि किसकी दुकान में क्या क्या मिलता है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसमें चारों गतियों में से कहाँ कहाँ जाने की संभावना है, आपको पता है? कहाँ कहाँ जा सकते हो? नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, त्रयंच गति में भी जा सकते हैं, मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हैं, और साधना के मार्ग पर चले तो मोक्ष भी जा सकते हैं। तो ऐसा शरीर मिला हुआ है, इतना कीमती शरीर मिलने के बाद भी यदि इसका उपयोग नहीं किया तो क्या कहेंगे उसे? जब कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, वो घर छोड़ के बाहर निकलता है, तो लोग कहते पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया इसका, तो सारे दिन साधुओं के पास बैठी रहती है, स्वाध्याय करती रहती है, पढ़ती रहती, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई ये, तो कहते कि नहीं कहते? लेकिन मुझे वो पागल लगते हैं जो सब कुछ बोलते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके लिए नहीं कह रही, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं कुछ कहती हूँ आप मानते जरूर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग आते बोले माता जी आप टीवी में नियम दिलवाती हो, हम भी हाथ उठाते हैं, नियम का पालन करते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने मेरी बात की कीमत जानी और उसमें हाथ उठा के नियम संकल्प लेकर उसका पालन शुरू किया, तो खुद की कीमत पहचानी। अभी कल इंदौर से ना, इंदौर वाले भाई साहब दोपहर में आए थे, तो बोले यहाँ 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 जाना है, मैंने कहा आप दर्शन कराओ, रात्रि विश्राम यहीं करना। लो वापस आ गए और यहाँ उन्होंने सुबह अभिषेक किया और भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया। अच्छा आप गए नहीं, बोलो अब ये क्वालिटी और इसको क्या कहा जाए कि मुंह से बात निकली कि कदम ही बाहर नहीं रखा, इसको तो आज्ञाकारी शिष्य कहना चाहिए। ऐसे हमारे हसमुख जी हैं, मैंने जरा सी खबर करवाई कि आपको युवा सम्मेलन में संयोजक संयोजन करना है, एक बार में हाँ आ गई, ना तो इनके पास है ही नहीं है, और इनके साथी जो हमेशा इनके साथ आते हैं, क्या नाम है, आर के जैन साहब, ये भी इनके साथ दोनों मिल करके और हर काम को सफल बनाने में। युवा सम्मेलन क्यों? क्योंकि युवा सम्मेलन में हमें युवकों के अंदर, युवतियों के अंदर हमें धार्मिक संस्कार डालने हैं, उस धार्मिक संस्कार के माध्यम से हमें धर्म को आगे बढ़ाना है। एक धर्म खुद कर रहा है और एक प्रेरणा करके करवा रहा है, ये भी कोई कम बात नहीं है। करना, करवाना और करते हुए की अनुमोदना करना, ये तीनों कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और इनके साथ इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं, ये भी बड़े धर्मात्मा हैं। इंदौर के वैसे प्राय सभी लोग धर्मात्मा मुझे ऐसा लगता है,
इंदौर में धर्मात्मा ही रहते हैं, जितने आसपास के धर्मात्मा थे गांव के धर्मात्मा वो सब इंदौर में इकट्ठे हो गए, मुझे ऐसा लगता है, है? तो अब उसमें एक उज्जवल पाटनी है जो मोटिवेटर है, आप लोग जानते होंगे, वो भी उस दिन उनको संबोधन करने के, यूथ को संबोधन करने के लिए उसको भी बुलाया गया है, भैया चलो तुम मतलब तुम युवा हो, युवा की भाषा समझो, हमारी नहीं समझ पा रहे चलो उनकी समझो, समझाओ ही किसी तरह से, समझाऊं आपको, समझाना तो मुझे आपके अंदर जो चीज डालनी है मैं डालू तो ठीक है, किससे डलवानी है तुम किससे डलवा सकते हो उससे डलवाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर धर्म के बीज जरूर डालूंगी, ऐसी मेरी भावना रहती है कि हर आत्मा धर्म करे, हर आत्मा परमात्मा बने, हर जीव के अंदर सुख शांति हो, हर परिवार में शांति हो, हर व्यक्ति हर जीव मोक्ष के मार्ग पर चले और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करे, ऐसी भावना हमेशा मेरी रहती है और जितनी शक्ति होती है उसके अनुसार प्रयास भी रहता है। और आज ये जो तीर्थ क्षेत्र बना है इसके माध्यम से आज ये प्रभावना और 10 गुनी बढ़ गई, 100 गुनी बढ़ गई है। अब मैं रहूं या ना रहूं मेरा काम तो हो गया, जो बीज भगवान ने मेरे हाथों से डलवाया है वो कितने वर्ष तक चलेगा पता नहीं है, तीर्थ तैयार हो गया है, कितने लोग अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, कितने साधु संत आएंगे, कितने जीवों का कल्याण होगा, उद्धार होगा, पता नहीं है। तो अपने अंदर भावना पैदा करो, तुम अच्छी भावनाएं बनाओगे ना सब चीज तुम्हारे सामने मिलेंगी तुम्हें, तुम भावना तो पैदा करो। कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने में डरते, नहीं हम कर तो सकते हैं, करवा नहीं सकते हैं, लेकिन हसमुख जी जगह जगह जाके युवाओं की मीटिंग लेते हैं, उन्हें आने के लिए प्रेरित करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, शहरों में जाते हैं, कोटा गए, देवली गए, केकड़ी गए, ये 100 बीज डालते हैं, यदि इनके 50 बीज भी फलीभूत हो गए ये खुश हो जाते हैं। वही कर सकता है जो, नहीं तो एक ने मना कर दिया, कोई आता तो है नहीं, ये सब मना कर देते हैं, नहीं तुम 10 लोगों से कहो 5 तो आएंगे, तुम 5 की तरफ देखो, जो नहीं आए उनकी तरफ मत देखो, नहीं तो तुम्हारा हौसला कम हो जाएगा। इसलिए धर्म करो भी और करवाओ भी। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है, भोजन में भात का, तत्व में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, थोड़ा पढ़ा, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, ध्यान करने के लिए परमात्मा का, ध्यान करने के लिए परमात्मा का, सिद्धालय में शुद्धात्मा का, और इंदौर में रहने वाले धर्मात्मा का। और कहां से आए हैं? डूंगरपुर, डूंगरपुर ना, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाले में डूंगरपुर का, बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, वहां सागी सागी मिलता है क्या? महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, गर्मी में घड़ा का, तौलने में धड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। कोटा, रसोई में आटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। नलवाड़ी आसाम, अच्छा मैं, हाँ एक मिनट, एक बता दो, सुबह के बाद शाम का, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, सिर दर्द में बाम का, और आने वाले में नलवाड़ी आसाम का, बड़ा ही महत्व है। अब बताइए क्या बोल रहे थे? रैनवास, रैनवाल, अच्छा अच्छा अच्छा, खिड़की में जाल का, भोजन में दाल का, और आने वाले में रैनवाल का, बड़ा ही महत्व है। भोपाल, सिर पे काले बाल का, पूछने में हाल का, और आने वाला में भोपाल का, बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीने में मई का, रजाई में रुई का, आने वाला में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। जयपुर, समरानिया, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनने में कहानियां का, सुनने में
कहानियां का और अच्छे काम की निशानियां का और आने वालों में समरानियां का बड़ा ही महत्व है। मैं गई हूँ समरानिया, बेंगलोर नहीं वालों में बोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। अलवर, अलवर पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। वो सारे बोले चल जयपुर बोल दिया, जयपुर इंदौर का तो धर्मात्माओं का बोल दिया। श्रेष्ठों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वाले में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। बोले चौबीसों भगवान की।